सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल संजीव मिश्रा को और प्रेस करिए बेल आइकॉन पर हर तरह के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, ब्रजराज नगर उड़ीसा राज्य के झारसुगुड़ा जिले में अवस्थित एक छोटा सा खूबसूरत टाउन है। ये ओरिएंट पेपर मिल और एमसीएल के अंतर्गत मौजूद कोल माइंस के लिए जाना जाता था। ब्रजराज नगर रेलवे स्टेशन इसी शहर को सर्व करता है। ये उड़ीसा के इस क्षेत्र में स्थित विभिन्न कोयला खानों के लिए महत्वपूर्ण लोडिंग पॉइंट के रूप में कार्य करता है। दोस्तों, ब्रजराज नगर रेलवे स्टेशन हावड़ा, मुंबई, नई दिल्ली, भुवनेश्वर और अहमदाबाद से ट्रेनों से काफी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव आज आपके साथ उड़ीसा राज्य के ब्रजराज नगर रेलवे स्टेशन की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां शेयर करूंगा, तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देखने आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ब्रजराज नगर रेलवे स्टेशन भारतीय रेलवे के साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के बिलासपुर डिवीजन के अंतर्गत आने वाला एक बेहद लोकप्रिय रेलवे स्टेशन है। ब्रजराज नगर रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड BRJN है। दोस्तों, ब्रजराज नगर रेलवे स्टेशन में कुल प्लेटफॉर्मों की संख्या 3 है, जबकि ये रेलवे स्टेशन पूरी तरह से इलेक्ट्रिफाइड है और ब्रजराज नगर रेलवे स्टेशन में पैसेंजर, सुपरफास्ट और एक्सप्रेस तीनों तरह की ट्रेनें रुकती हैं। दोस्तों, यद्यपि ब्रजराज नगर रेलवे स्टेशन में कोई खास सुविधाएं तो उपलब्ध नहीं है, परंतु यहां के शांत वातावरण के कारण यात्रियों को यात्री शेड के अंतर्गत मौजूद बैठक शिला पर ट्रेन का इंतजार करने में कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। ब्रजराज नगर रेलवे स्टेशन के इस खासियत के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, बात अगर ब्रजराज नगर के प्रमुख लाइनों की करें तो मैं आपको बता दूं कि ब्रजराज नगर रेलवे स्टेशन के प्रमुख लाइन में टाटा नगर बिलासपुर लाइन शामिल है। दोस्तों, ब्रजराज नगर रेलवे स्टेशन में कुल ट्रैकों की संख्या भी 3 ही है। दोस्तों, ब्रजराज नगर रेलवे स्टेशन से रोजाना 1000 से भी ज्यादा यात्री सफर करते हैं। ट्रेन ट्रैफिक के बारे में आपको बता दें कि ब्रजराज नगर रेलवे स्टेशन में लगभग 32 ट्रेनें रुकती हैं। ब्रजराज नगर रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली कुछ प्रमुख ट्रेनों में शालीमार लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस, हावड़ा अहमदाबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस, हीराकुड एक्सप्रेस, कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस, पूरी जोधपुर एक्सप्रेस, हावड़ा मुंबई मेल, आजाद हिंद एक्सप्रेस और साउथ बिहार एक्सप्रेस आदि सम्मिलित हैं। दोस्तों, ब्रजराज नगर रेलवे स्टेशन के पहले पड़ने वाले बड़े रेलवे स्टेशन में रायगढ़ और ब्रजराज नगर रेलवे स्टेशन के बाद में पड़ने वाले स्टेशन में झारसुगुड़ा रेलवे स्टेशन शामिल है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि झारसुगुड़ा और रायगढ़ रेलवे स्टेशन के मध्य में अवस्थित है अपना ब्रजराज नगर रेलवे स्टेशन। दोस्तों, ब्रजराज नगर रेलवे स्टेशन के नजदीकी रेलवे स्टेशनों में इब 2 किलोमीटर, बेल पहाड़ 9 किलोमीटर, झारसुगुड़ा रोड 9 किलोमीटर, झारसुगुड़ा जंक्शन 12 किलोमीटर, बिंद्रामल 15 किलोमीटर, धूतरा 21 किलोमीटर, हिमगिर 23 किलोमीटर, लपंगा 24 किलोमीटर, पंपली 26 किलोमीटर और दघोरा 30 किलोमीटर आदि मुख्य रूप से शामिल है। दोस्तों, ब्रजराज नगर के आसपास रुकने की कोई खास व्यवस्था तो नहीं है, परंतु यहां से 17 किलोमीटर दूर झारसुगुड़ा शहर में आपको अनेकों होटल्स और रूम्स रीजनेबल रेट पर मिल जाएंगे, जहां से आप शहर को एक्सप्लोर करने के लिए निकल सकते हैं। इन होटलों में होटल विष्णु पैलेस, उत्कल कॉन्टिनेंटल,
कैपिटल योगेंद्र रेसिडेंसी, होटल सन सिटी पैलेस, द मोहिनी रॉयल आदि शामिल हैं। दोस्तों, ब्रजराजनगर रेलवे स्टेशन से झारसुगुड़ा तक और शहर के महत्वपूर्ण स्थानों तक पहुंचने के लिए आप ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा या निजी वाहन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ब्रजराजनगर रेलवे स्टेशन का सबसे नज़दीकी कॉमर्शियल एयरपोर्ट झारसुगुड़ा में अवस्थित झारसुगुड़ा एयरपोर्ट है, जिसकी दूरी ब्रजराजनगर रेलवे स्टेशन से मात्र 20 किलोमीटर की है। दोस्तों, ब्रजराजनगर रेलवे स्टेशन के आसपास आप घूमने हेतु कई सारे मनोरम जगहों पर जा सकते हैं। उन जगहों में चंडी मंदिर ब्रजराजनगर, लक्ष्मी नारायण मंदिर ब्रजराजनगर, बिरला मंदिर, शिव मंदिर नियर लम्पती भाल ब्रजराजनगर, इब ब्रिज, लाल पत्थर, सत्य साई मंदिर, बरघट मंदिर, अंडरग्राउंड और ओपन कास्ट माइन, सिनेप्लेक्स विक्रम टॉकीज, सिंगल स्क्रीन एडवांस्ड सिनेमा हॉल आदि मुख्य रूप से सम्मिलित हैं। तो दोस्तों, ब्रजराजनगर रेलवे स्टेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देखने आए हैं और आगे भी इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। और अगर आपने हमारे दूसरे चैनल संजीव मिश्रा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैंने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है उस पर क्लिक करके आप हमारे दूसरे चैनल पर जाकर उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि उस चैनल पर भी आपको ब्लॉग्स देखने को मिलती हैं। दोस्तों, हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए और इतनी तत्परता के साथ हमारा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।